का मेरा नाम है शिवदास और आपका पिंग सत्यम में स्वागत है। तहे दिल से इंट्रो। तो आज हम बात करेंगे कठमुल्लों के उस देवता के बारे में जो हजरत मोहम्मद के नाम से बदनाम है, जो ख्याली पुलाव के निर्माता से एक चिल्ली की मुर्गी के अंडे से पैदा हुआ है। जवानी कभी उसने देखी नहीं, 25 वर्ष की आयु में 40 साल की बुढ़िया से निकाह कर लिया। चाहता तो अपनी माँ मैन भी बना सकता था, लेकिन एक स्त्री को सहारा देने के लिए उससे सबसे अच्छा तरीका है विवाह। जब मोहम्मद का मन विधवाओं से भर गया तो उसने अपनी लाइफ की पहली कुंवारी लड़की, जिसकी उम्र मात्र 6-7 साल थी, उससे निकाह किया। एक ऐसा हौसी दरिंदा, उस रंगीले रसूल के बारे में तो क्या ही कहना। जब उसका मन घर की औरतों पे गया, जब उसने अपनी बहू को, जो कि उसके गोद लिए हुए बेटे की पत्नी थी, जब उसका दिल उस पे आया तो उसने उसके साथ एक रात गुजारी। जब उसने सोचा कि यार बहुत बुरा हुआ, उसने अपनी बहू पर नजर, एटलीस्ट को बहू पर तो नजर नहीं डालनी चाहिए, तो उसने एक प्रथा स्टार्ट की, काला तंबू, जो अक्सर आप देखते होंगे महिलाएं फिरती रहती काला तंबू पहने हुए। वो उसी मोहम्मद से बचने के लिए वो काला तंबू पहने। 63 की उम्र में उसकी जवानी खत्म हुई और एक बूढ़ा पाया तो उसे एक बीमारी हुई, एड्स। और उस एड्स की बीमारी में बैठे बैठे उसको क्या कहें, ख्यालों में क्या ख्याल थे कि जो आयतें निकली वो कुरान बन गई। किसी कवि ने उस रंगीले रसूल के लिए क्या ही कहा है, किसी की बिगड़ी बनाना है तो निकाह कर ले, बुझा चिराग जलाना है तो निकाह कर ले, किसी का रूप सुहाना है तो निकाह कर ले, किसी के पास खजाना है तो निकाह कर ले। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी रंगीला रसूल नामक एक किताब से। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी सूचना पतिया अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में घंटी का बटन भी दबा दीजिएगा।